कल जो हम लोगों का मानव श्रृंखला होने जा रहा है तीन काले कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं उसको लेकर के हम लोगों के बीच चर्चाएं हुई हैं, और हर जिला में लगभग जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके जो है तैयारी की जा रही है। आज राष्ट्रपति जी का भाषण था, कल जो फैसला हुआ था लगभग 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति जी के भाषण का बहिष्कार किया, और आज सुबह तक 19 किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं, और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करे, जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी उसको जो है लागू किया। हमने कई बार ये भी कहा है, और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया, और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं, कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं, क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है, क्यों नहीं आप जो है इस पे दो शब्द भी नहीं बोल रहे, आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के, क्या मजबूरियां हैं। और 2006 से जब से एपीएमसी कानून उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है,
ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर। हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं, कहीं भी, चाहे छात्रों के लिए आवाज उठाना, युवाओं के लिए आवाज उठाना, संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाना, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवाज उठाना, नीतीश कुमार जी लगातार जो है लोकतंत्र का हत्या करने में लगे। केस मुकदमा जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। किसान को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है बिहार में, अभी भी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहे हैं। तो जब डीजल महंगा होगा तो उससे घाटा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, किसानों को होगा। लगातार ऐसे कानून नीतीश कुमार जी जो ला रहे हैं, मान लीजिए जो मौजूदा एनडीए सरकार है, ये तो हमारे देश में नारा था, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान। ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिया।